अरे मानसी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई, पंडित जी आते ही होंगे। कितनी सारी पूजा की तैयारियां बाकी है। जी। बेबी होने के बाद तो और भी सुंदर हो गई है। थैंक यू आत्या, आप बैठिए, मैं आई की थोड़ी मदद कर देती हूँ। sure. कितनी शैतान है देखा इसे, अपनी आई को जरा भी काम नहीं करने देती है। पता है उसे आज ही है काम करने के लिए। अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए माँ बेटी ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है। बड़ी हो जाने दो, ये और मैं हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाएंगे और फिर इसकी आई से बहुत काम करवाएंगे, ठीक है ना? अरे मानसी, जरा शशांक को फोन तो लगा, देख कहाँ पे है वो। शशांक कहाँ है आप? पूजा के लिए हम सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या आपको किसी इम्पोर्टेंट कवरेज के लिए जाना पड़ा? 10 बज जाएंगे शशांक पर। 10 बज जाएंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उसे कहो कि कोशिश करे घर जल्दी आने की। आई वो नहीं आ पाएंगे। शशांक कोई बात नहीं, आप अपना काम आराम से कीजिए और प्लीज खाना टाइम से खा लीजिएगा। हम सब लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। मानसी तुम भी ना, थोड़ा तो सिद्ध करना चाहिए था ताकि वो कोशिश करता है जल्दी घर आने की। क्या तुम भी? आई मैं जानती हूँ, अगर मैं जिद करती ना तो वो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाते, पर मैं ये नहीं चाहती। ऐसे आधा काम छोड़कर आएंगे तो ऑफिस में उनकी रेपुटेशन खराब होगी और सैलरी पर भी असर पड़ेगा। और आई आप तो उनको मुझसे बेहतर जानती है ना, अगर मुमकिन हो पाता तो वो जरूर आ जाते, जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसे होंगे। और वैसे भी वो इतनी मेहनत हम सब के लिए तो कर रहे हैं। क्या पते की बात कही मानसी, वाह, आई मस्ट से तुम एक आदर्श पत्नी हो। अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को मिल जाए तो दुनिया का हर आदमी हमेशा खुश रहेगा। मानसी तुम एक अच्छी पत्नी तो हुई, अब एक अच्छी मां बनकर दिखाओ। पति पत्नी गृहस्थी के रथ के दो पहिए होते हैं, आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहें तो उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देखना एक दिन शशांक की तरक्की के पीछे तुम्हारा हाथ होगा। अरे सचिन काका और नीना काकी नहीं आए? नहीं बेटा, ओ दोनों काम में बिजी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, और तू इस सब के बारे में मत सोच, तो बस इसकी ओर ध्यान दे। लो पंडित जी आ गए। बप्पा, मेरे बच्चों को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। मुझे सचिन से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने और अर्चना ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। अर्चना ने अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना सचिन को दिया, उसे बड़े बेटे का सम्मान दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और उसने माना। सर प्लीज आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, जब अपने पराये की तरह बिहेव करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव किया जाए। ये बात पूछूं? जी बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं रहे हो? ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन? नहीं माना सर, ऐसा कुछ नहीं। देखो नरेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और परी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन बेटा ऐसा होता है, कभी कभी हालात रिश्तों पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जहां प्यार होता है ना, वहीं इन हालात से लड़ने की ताकत होती है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अर्चना और मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आए
जब हम एक दूसरे से अलग रहे, सालों साल एक दूसरे से दूर रहे, ऐसा लग रहा था कि हम कभी मिलेंगे नहीं, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। फिर वक्त के साथ देखो सब ठीक हो गया। आज मैं और अर्चना इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है माना सर। हाँ, मुझे तुम्हारी और परी की कहानी में अक्सर मेरी और अर्चना की कहानी दिखाई देती है। सेम, हमने भी अपना बच्चा खोया, दुख हुआ, गलत फहमियां हुई, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमेशा पापा पर भरोसा कायम रखा। तुम दोनों को भी यही करना है, एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत बनो, एक दूसरे की उम्मीद बनो। फिर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही बनने की। अंकिता ने अपने प्यार की बलि देकर तुम्हारा और परी का रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते का कामयाब होना बहुत जरूरी है। मैं अंकिता के त्याग और समर्पण को जाया होते नहीं देख सकता। तेजू को बुलाओ नरेन। माना सर, ठीक है, मैं एक मिनट पानी। तेजू हाँ सर, मैंने आपको पहले ही कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पानी, दिन रात काम और ऊपर से सचिन दादा की बहुत टेंशन है बाबा को। बाबा ठीक है, संभल के। बाबा आप गाड़ी निकालिए, मैं आ रहा हूँ। संभाल, हॉस्पिटल। नरेन क्या हुआ आजोबा को? कैसे आजोबा? वो डॉक्टर के आने पे पता चलेगा। देखिए, ही इज फाइन नाउ और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर करमरकर, आप रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। एनीथिंग सीरियस? मिस्टर मानव आप ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट किस चीज के फिर? देखिए, ये बहुत जरूरी है, हम हार्ट कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेजेस ना हो, इस तरह की शंकाओं को हम दूर करना चाहते हैं। नहीं प्लीज, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कीजिए। देखिए एक और बात, उनको स्ट्रेस और परेशानियों से दूर रखिएगा, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस और घर का टेंशन कोई भी तनाव उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। जाके उनसे मिलिए और बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा। जी, थैंक यू। देखा आपने, कोई बात नहीं मानते आप, पर अब से ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी सारी बात माननी होगी। पड़ गए ना बीमार, काम वाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ आराम होगा। अब से आपके खाने का, पीने का, दवाई का मैं एक चार्ट बना के रखने वाली हूँ। And you have to follow it. Exactly. अजोबा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? अब नरेन है ना, वो आपका सारा काम संभाल लेगा। और आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, प्लीज। अजोबा, हम टेंशन में आ गए थे, जैसे ही मालूम पड़ा वैसे ही सारा काम छोड़कर भाग भाग के यहाँ आ गए। मानसी आने वाली थी पर बच्ची की वजह से। सबको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और देखो, मेरे अपने मेरे पास हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ शशांक। दवाओं से ज्यादा मुझ पर दुआएं काम करती हैं। अच्छा, अब सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम में से कोई भी अर्चना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और बात नरेन, सचिन जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था वो मैं ऑलरेडी तुम्हें सौंप चुका हूं, उसके डॉक्यूमेंटेशन सब तैयार है, बस टेंडर्स सबमिट करने। टेंडर्स रेडी है ना? हाँ जोबा, रेडी है।
फिर से काम की बात, अभी भी मैंने बोला है ना आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं बात करता हूँ। तुम सब मिलकर ना मतलब अर्चना की कमी पूरी कर दी तुम लोगों ने। तुम अपडेट्स देते रहना नरेन, मैं बस। अजूबा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। What is wrong with you? मुझे समझ में आ रहा है कि उन्हें टेंशन नहीं देनी, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? टेंडर्स तो रेडी थी ना? नरेन, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि इस वक्त झूठ बोलना जरूरी था। anyway, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाओगे तभी आजूबा तुम्हें अपना पूरा बिजनेस देंगे। anyway, आजूबा को हॉस्पिटल तुम लेके आए थे? हाँ, वो मेरे साथ थे, हम कुछ बात कर रहे थे तो उन्हें अटैक आया। और इससे तुम आजूबा की गुड बुक्स में रहोगे, बहुत फायदा होगा हमें। What? ना ये हो क्या क्या है तुम्हें? तुम कब से नफे नुकसान की बातें करने लगी? एंड दैट टू, अजूबा बीमार थे, उनको हॉस्पिटल लाना मेरा फर्ज था, जिम्मेदारी थी। दैट्स इट। आई मीन हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? बार बार एक ही बात नहीं समझा सकती? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रही हूँ। तुम भी जाके अपने टेंडर्स कंप्लीट कर, आज ही सबमिट कर। मैंने जिससे प्यार किया था ये वो नहीं, ये मेरी आना नहीं। हिम्मत नहीं हारूंगा सुबह, मैं आना को ही रियलाइज करवा के ही रहूंगा। ऐसा प्यार से बड़ा नहीं होता। एक्चुअली अपना बच्चा खोने के बाद आना बहुत डिस्टर्ब है। अब वो कुछ भी खोने से डरती है, इसलिए थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है। बस खुद के बारे में सोचती है। बट नो इश्यूज, मैं उसकी ये सोच बदलूंगा, उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम दोनों का रिश्ता फिर से वैसा ही होगा। हमारा प्यार ही हमें एक दूसरे से करीब लाएगा। और क्या पता, अगर भगवान की कृपा रही तो हम दोनों माँ बाप जरूर बनेंगे। खाना अब तक आई नहीं है, क्यों ना मैं कुछ उसके लिए सरप्राइज प्लान करूं। मे बी अ पिज्जा, वो खुश हो जाए। और आई थिंक जो भी उसकी नाराजगी है शायद दूर भी हो जाए। नॉट अ बैड आइडिया। मशरूम पिज्जा बहुत खाया तुम्हारे हाथ का लंदन में, अब मेरे हाथ का खाओगे ना, देखना सारी नाराजगी दूर हो जाएगी एक ही बार में। ऐसे नहीं, ऐसे तुम तो नाराज थी मुझसे, अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? मेरा प्यार कोई तुम्हारे ऑफिस का एम्प्लॉय है जो बता के आएगा? वो तो कभी भी आ सकता है। और ये पिज्जा खाने के बाद और स्ट्रॉन्गली आएगा। अच्छा, वैसे मेरे बिना तो तुम पिज्जा बना ही नहीं सकते, अभी भी देखना सब मुझे ही करना पड़ेगा। व्हाट आना, दिस इज माय सरप्राइज फॉर यू। तुम छोड़ दो, तुम अच्छा मैं करता हूँ। नो नो नो, जस्ट लीव इट। मैं क्यों, मुझसे क्यों नहीं होगा? आई नो कि मशरूम को कैसे काटना है, मशरूम पिज्जा कैसे बनता है। आई नो कि मशरूम को सीधा काटते हैं। तुम उधर उधर घूम जाओ, ओके? जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। वैसे मैं तुम्हें हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन लेकिन डिस्ट्रैक्ट तो कर सकती ना? आना वेट, यार रुक, मुझे लगता है मेरी कंपनी ने जो टेंडर अमाउंट कोट किया है वो बहुत रीजनेबल है, सो वी शुड गो अहेड विद इट। This is not fair, Mrs. Pari. आपने ही हमें मीटिंग के लिए इनवाइट किया, अब आप ही इसे होस्ट नहीं कर रही हैं। आप ड्रिंक नहीं लेंगी तो फिर हम कैसे? वेटर। यस मैम। प्लीज गेट मी अ ग्लास।
श्योर मैम। हाँ तो हम कहाँ थे? अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो आप उठा सकती हैं। नो इट्स ओके। एक मिनट, तुम्हारे पूछने से पहले बता रहा हूँ, आज सुबह ठीक है तो नो नीड टू वरी। ओके थैंक गॉड वो ठीक है। आपको पता है मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना उनके बारे में सोच सोच कर। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकती हो? शशांक, आप एक बेटी के बाप बन चुके हैं। हाँ तो अब भी आपकी शरारत कम नहीं हुई और होगी भी नहीं। इसकी दो वजह, एक कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, दूसरी वजह जब भी मैं ये शरारत करता हूँ तो मेरी बीवी को अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मैं पूजा पे नहीं आया तो उसका फाइन तो भरना पड़ेगा। इसे फाइन नहीं रिश्वत कहते हैं। तो रिश्वत ही समझ लो, लेकिन रिश्वत डिफरेंट डिफरेंट है। तुम्हारे लिए अलग है और मेरी बेटी के लिए स्पेशल रिश्वत है। रुको मैं दिखाता हूँ मैं क्या लाया। सरप्राइज। कितना सब कुछ? ये मेरी बेबी के लिए पालना, ये बाथटब और ये टॉय। शशांक आप जानते हैं ना, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा पति भी और अच्छा पिता भी। बैठो यहाँ बैठो। मेरी बेटी है ना, मेरी बेबी, मेरी प्रिंसेस है। इसको मैं हर चीज दूंगा, एकदम प्रिंसेस बनाकर रखूंगा। आप बैठिए मैं आपके लिए प्रसाद लेकर। अरे अरे मानसी रुको, खा लूंगा बाद में प्रसाद। इतना काम किया है थक गया हूँ, थकावट हो गई, और वही थकावट तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही दूर होगी। लॉन्ग टाइमिंग। नो ना, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। एक्चुअली गेस व्हाट, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा एंड सब कुछ मैंने बनाया, नो हेल्प टेकन बाय एनीबडी। तुम पी कर आई हो? तो आई एम नॉट ड्रंक, आई जस्ट हैड अ फ्यू ग्लासेस। लेकिन इसे दिन में गॉड नरेन, तुम ये टिपिकल पति जैसे क्यों बात कर रहे हो? मैं पहले भी पीती थी और तुम ये बात जानते हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन ऐसे दिन में बेवजह नहीं। मैंने बेवजह नहीं पी, मुझे पीनी पड़ी। ऐसी कौन सी जगह गई थी जहाँ पीनी पड़ी? मैं एक मीटिंग में गई थी, वहां मुझे पीनी पड़ी। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सी जगह गई थी जहाँ पीनी पड़ी? हमारी ड्राइवल कंपनी के एम्प्लॉय के साथ। किस लिए? उनकी टेंडर अमाउंट फाइंड आउट करनी थी, बस इसलिए। व्हाट रबिश इज दिस आना आना, यू नो दिस इज अनएथिकल, चीटिंग है ये। I mean, क्यों दलदल में फंसती जा रही हो तुम? ऐसे बिजनेस नहीं होता, you know that, right? नरेन, मैं पहली बार बिजनेस नहीं कर रही हूँ। I know what I'm doing. मुझे हर हाल में ये टेंडर हासिल करना है, आजोबा का बिजनेस आगे बढ़ाना। ये एथिकल, अनएथिकल, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, ये सब सिर्फ वर्ड्स है जो सुनने में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। रियल लाइफ में मैटर करती है सक्सेस, दैट्स इट। एनीवे, हम ये फालतू का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं मीटिंग के लिए गई थी ताकि हम टेंडर अमाउंट कोट कर सकें, सबसे लोएस्ट, ताकि हमें ही। तो क्या होगा उसके बाद? टेंडर मिल जाएगा तो क्या होगा? वर्क सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी ना। हाँ ना, ऐसे सक्सेसफुल होने का कोई फायदा नहीं है। ये सक्सेस ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एथिकली बिजनेस करो, ईमानदारी के साथ। एंड इफ यू हैवंट नोटिस्ड, इस सक्सेस के पीछे भागते भागते तुम मुझसे दूर हो गई हो। इनफैक्ट आई वॉज टॉकिंग टू अजोबा, उन्होंने मुझे बताया कि हमें अपने रिलेशनशिप पे काम करना होगा, एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा, भगवान पर विश्वास रखना होगा, एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना होगा। हम दोनों साथ रहेंगे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अजूबा राजी ने भी तो अपना पहला बच्चा खोया था, लेकिन आज देखो वो कितने खुश हैं, इतनी बड़ी फैमिली है उनकी, इतने खुशहाल हैं, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। आजी ने अपना पहला बच्चा खोकर दूसरे बच्चे को जन्म दिया था क्योंकि वो माँ बन सकती थी, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
बहुत फर्क है आजी आजोबा की लाइफ में और हमारी लाइफ में। आजी ने अपना बच्चा आजोबा की वजह से नहीं खोया, लेकिन मैंने अपना बच्चा तुम्हारी वजह से खोया। ये सच्चाई भुलाने के लिए मुझे अपने आप को बिजी रखना होगा, काम करना होगा, और अब तुम्हारी कंपनी तो रही नहीं, तो मुझे आजोबा का बिजनेस संभालना होगा। नरेन, रोज रोज मुझसे एक ही डिबेट मत किया करो। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई वर्क। Honestly, I love you. नरेन प्लीज, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, रेडी हो जाओ। और ये पिज्जा मेरे लिए कभी मत बनाना, मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता।